पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बाढ़ में के कारण बिहार में जो स्थिति है निश्चित तौर पर चिंताजनक है, और गंगा का भी जलस्तर बढ़ा है जिसके कारण 16 जिला उधर प्रभावित हैं, और अभी जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है उसमें 13 जिला हमारे प्रभावित हैं। सब मिलाकर के 29-30 जिला बाढ़ के कारण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ की समस्या बनी हुई है और स्थिति बहुत ही गंभीर है। 29 जिला बिहार में बाढ़ के चपेट में है, तो 16 ऐसे जिले हैं जो विशेष रूप से ग्रसित हैं, बाढ़ के चपेट में हैं। इस पर सभी विभाग लगे हुए हैं, बाढ़ राहत और बचाव कार्य में सभी विभाग लगे हुए हैं बहुत मुस्तैदी से। सरकार भी इस पर मॉनिटरिंग कर रही है, साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग भी लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे और आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष सुमन का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये बयान सुने। देखिए, बाढ़ में के कारण बिहार में जो स्थिति है निश्चित तौर पर चिंताजनक है, और गंगा का भी जलस्तर बढ़ा है जिसके कारण 16 जिला उधर प्रभावित हैं, और अभी जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है उसमें 13 जिला हमारे प्रभावित हैं। सब मिलाकर के 29-30 जिला बाढ़ के कारण है, और बहुत दिनों के बाद इस तरह की आपदा आई है, तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी भी कल थे, आज भी होंगे, और वो भी देख रहे हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब भी ज़रूरत हो केंद्र सरकार का भी मदद लेंगे। और तटबंध भी टूटने की खबर आई है, 5 जगह 4 जिलों में तटबंध टूटा है, तो हम लोग पूरी आकलन कर रहे हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर मिनट का मॉनिटरिंग हो रहा है। जितनी भी टीम, अगर NDRF SDRF की टीम की ज़रूरत हो तो भी जरूरत, कहीं तो एक जगह गंगा नदी के किनारे जो हो रहा है उसमें 12 NDRF की टीम है और SDRF की टीम है, सब मिला करके सरकार के स्तर से पूरी कोशिश हो रही है, चाहे लोगों को बचाने का काम हो, राहत शिविर का काम हो, फूड पैकेट्स का काम हो, पोलिथीन सीट देने की बात हो, तो नाव का व्यवस्था कराना हो, बोट एम्बुलेंस का बात हो, हर जगह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है, जल संसाधन विभाग लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे DM अलर्ट पर हैं, तो सरकार के स्तर से कहीं पर कोई कोताही नहीं की जा रही, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस आपदा से जल्द हम लोग निपटे, हम लोग यही कोशिश में लगे हुए हैं, और हम समझते हैं कि 4-5 दिनों के बाद स्थिति धीरे धीरे समान होना शुरू हो जाएगा। तस्वीरें निकल रही हैं, कई जगहों पर पब्लिक कह रही है कि राहत शिविर तक नहीं ले जाए, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। देखिए, ऐसी बात नहीं है, कहीं पर हो सकता है, 1-2 जगह पर हैं, लेकिन सरकार के स्तर से नाव की संख्या बढ़ाई जा रही है, SDRF NDRF की टीम लगी हुई है, और हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है, हम लोग बात कर रहे हैं जो आपदा पदाधिकारी हैं, DM से हर जिले की मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे SCS भी दरभंगा गए हुए हैं, वहाँ कैंप किए हुए हैं, तो हम समझते हैं कि इसी घटना जब भी आएगा संज्ञान में तो हम लोग वहाँ पर भी जा करके और आपसे भी आग्रह करेंगे, कहीं स्पेसिफिक जगह पर ऐसा लगता है कि इस जगह पर वो राहत नहीं पहुँच पा रहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वहाँ जल्द से जल्द राहत पहुँचाएगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, पूरी सरकार गंभीरता के साथ नज़र बनाए हुए है, हर संभव सहायता पीड़ित लोगों को पहुँचाया जा रहा है, जो जलस्तर तेजी से पिछले 2 दिनों में बढ़ा है सभी जिलाधिकारी भी उस पर नज़र रखे हुए हैं, और जहां कहीं बांध के टूटने के कारण कुछ प्रखंडों और पंचायतों में जल जमाव हुआ है या बाढ़ का पानी आया है वहां पे कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है, उनको पॉलिथीन और तिरपाल दिए जा रहे हैं, पशुओं के चारा की भी व्यवस्था की जा रही है, और स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो आवश्यक दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ और बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। आज हमारे विभाग के SCS श्री प्रत्यय अमृत जी भी दरभंगा की ओर गए हैं और स्वयं जाके सभी चीज़ों पे नज़र और निगरानी रख रहे हैं, और हर सुविधाएं जो बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचानी है उस संदर्भ में सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी 2 दिन पहले भी समीक्षा हुआ था, और प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी हर पल बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए
आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और पदाधिकारी उन निर्देशों का अनुपालन भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या मैंने बताया कि जैसे विभिन्न उपाय और विभिन्न आवश्यक सहायता बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है, चाहे वह पॉलीथीन के रूप में हो, चाहे कम्युनिटी किचन के रूप में खाने की व्यवस्था हो, या पशुओं के लिए पशुचारा की व्यवस्था हो, या उनको ऊंचे स्थान पर लाने की व्यवस्था हो, उसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग भी जो आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध करानी हैं उन दवाइयों को उन लोगों तक पहुँचाया गया है। उसमें सर्पदंश की भी दवाइयाँ हैं, अन्य भी दवाइयाँ हैं। जब बाढ़ आता है तो वहाँ जो ह्यूमिडिटी के कारण शरीर पे असर होता है, तो स्किन के से संबंधित भी कई दवाइयों की और क्रीम्स वाइटमेंट की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें और सारी दवाइयाँ सभी संबंधित जगहों पे पहुँचाई गई हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि जितने भी बाढ़ ग्रसित जिले हैं सभी जगह पर अधिकारी मुस्तैदी से खड़े हैं और वहाँ बचाव राहत कार्य शुरू है। वहाँ पे बहुत सारे NDRF की टीम भी हैं और बोट भी सुविधा कराई गई है, वहाँ मुहैया कराई गई है। साथ ही साथ राहत कार्य भी सभी को बराबर रूप से दिया जा रहा है, चाहे वो भोजन का हो चाहे दवा हो, सभी पूरे तरह से वहाँ पहुँचाया जा रहा है राहत बाढ़ राहत कार्य में। तो वहीं मंगल पांडे ने कहा कि जहाँ तटबंध टूटा है वहाँ पे गंभीर स्थिति बनी हुई है, वहाँ के पंचायतों की स्थिति बहुत ही गंभीर है, वहाँ NDRF की टीम सभी लोगों को, वहाँ बच्चे बूढ़े सभी को बोट के माध्यम से वहाँ से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है और सरकार बहुत ही मुस्तैदी से काम करवा रही है। सभी अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, चाहे कोई भी बिहार के विभाग हो, सभी विभाग बाढ़ राहत कार्य में लगे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होती है तो यहाँ सेना का भी काम लिया जाएगा, इस तरह का बयान देते नजर आए। तो क्या कुछ कहते नजर आए हैं मंगल पांडे, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।